हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। गाइस, यहाँ पर आरआरबी जेई का जो सीबीटी वन का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट या फिर जो भी रीज़न हुआ था उसके कारण जो वहाँ पे पोस्टपोन्ड हुआ था एग्ज़ाम, जो शुरुआती दिनों में स्टार्ट हुआ था 22-23 तारीख को, 22-23 मई को आई थिंक, या सो वहाँ पे जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस दौरान काफ़ी टेक्निकल फॉल्ट आया था। जो भी आरआरबी का सेंटर था एग्ज़ाम देने का ऑनलाइन सीबीटी का, तो उस दौरान वहाँ पे शिफ्ट किया गया था कि आपका रिशेड्यूल्ड किया जाएगा एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आया कि आपका जो रिशेड्यूल्ड एग्ज़ाम है, यानी कि कब होगा और कहाँ पर होगा, ये सारा यहाँ पर दिया है इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिस निकाला वहाँ पे मैं हूँ जाके देख रहा हूँ कि क्या क्या उसमें दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट ही है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, उसका जो ऑफिशियल नोटिस निकाला है कि कब रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस है इसका आरआरबी जेई का, जो रिशेड्यूल्ड एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका 26 से स्टार्ट होगा। बट जो आपका यहाँ पे इंटीमेशन जो होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि आपका सिटी कौन सा होगा और सेंटर कहाँ पे, ये सारा आपका जो एग्जाम अवेलेबल होगा वो आपका 16 जून से स्टार्ट होगा। उस दौरान आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपका ये सिटी कौन सा है, एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है और कितने बजे से लेगा एग्ज़ाम, ये सारा यहाँ पे 16 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ट्रेन ट्रेवल यानी कि जो आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो जो ट्रेवलिंग अलाउंस जो देता है रेलवे बोर्ड, वो आपका 16 तारीख से स्टार्ट होगा। वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं या फिर जो भी उसका फैसिलिटी होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं 16 तारीख से ही। उसके बाद आपका जो मेन जो फंक्शन यहाँ पे है, जैसे डाउनलोड ई कॉलेटर और फिर आपका जो भी वहाँ पे एक्टिवेशन का मॉक टेस्ट का जो भी यहाँ पे फंक्शन है वो स्टार्ट होगा आपका। तो जैसे आप देख सकते हैं डाउनलोड ई कॉलेटर का जो लिंक स्टार्ट होगा 4 डेज, यानी कि पहले भी जब शुरुआत भी जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था पर भी लिखा था कि 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान भी यहाँ पे 4 दिन पहले ही अपलोड होगा, यानी कि 26 तारीख यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 जून से आपका जो रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन है वहाँ पे स्टार्ट होगा 26 तारीख से, यानी कि 22 तारीख या फिर हो सकता है 21 तारीख को आपका अपलोड कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड, और डाउनलोड करके आप वहाँ पर देख सकते हैं टोटल कि आपका क्या क्या कहाँ पर सेंटर दिया है, क्या भी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था इसके रिगार्डिंग कि आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था टेक्निकल फॉल्ट या फिर जो भी रीज़न रहा होगा उस समय, जो रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन है, जो भी कैंडिडेट इसमें मतलब लिए गए हैं या फिर जिनका पोस्टपोन्ड हुआ था उनका फिर से स्टार्ट होगा और 26 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप नोटिस के जो मैं दिया गया जो डेट दिया गया आपका उस हिसाब से आप अपना विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 16 तारीख से आपका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा जिसमें आपका एग्ज़ाम सिटी और डेट ऑफ इंटीमेशन का उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 16 तारीख को एक और लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा जिसमें आप ट्रेवल अलाउंस जो मिलता है एस सी एस टी कैटेगरी वालों को वहाँ पे वो फैसिलिटी मिलने का जो डेट है 16 तारीख से स्टार्ट होगा। और उसके बाद आपका जो डाउनलोड के लिए ऑप्शन जो आएगा ई कॉल लेटर के लिए आपका 4 दिन पहले एक्टिवेशन हो जाएगा, वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं ई कॉल लेटर डाउनलोड, यानी कि 22 या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद, यानी 21 से लेकर 23 तक जो भी डेट है आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 दिन ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे 26 को है और 27 को लिया जाएगा और प्लस 28 को लिया जाएगा, इस 3 दिनों में सारा जो पोस्टपोन्ड हुआ एग्जामिनेशन वो सारा ले लिया जाएगा 26 मिलाकर, ठीक है। ये 3 दिनों में जो सारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है टेक्निकल फॉल्ट या जो भी रीज़न रहे होंगे ये सारा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप कि सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर रहता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।